तो आपने रेनो काइगर के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर देख लिए हैं, तो जरूरी हो गया था ये दिखाना कि इंडिया की पहली डिलीवरी कौन सी है। तो मेरे साथ राजन शर्मा जी हैं जिन्होंने खरीदी है रेनो काइगर। तो सर कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। थैंक यू जी। मैम आपको भी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम क्या है? मालिनी शर्मा। तो पहले मालिनी मैम से पूछते हैं कि इन्होंने कितनी मदद की है इस काइगर को खरीदने के लिए। मैम आपने क्या सजेशन दिया, आपका क्या था, क्या योगदान है इसमें? ये गाड़ी इनको बहुत पसंद आई, पहले तो ये देखने आए खुद से, उसके बाद जब मैं आए मुझे लेके आए तो ये इससे नीचे वाला मॉडल ले रहे थे, तो मैंने बोला ये कलर चाहिए एंड ये कलर आपके टॉप मॉडल में था। एंड फिर मैंने इनको बोला, डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं था गाड़ी का, हमने एक टेस्ट ड्राइव ली एंड इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है फुली ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना, तो इनको अच्छी लगी, तो मैंने फिर यही बोला कि आप यही गाड़ी लो, लेनी है तो फुली लोडेड फुली ऑटोमेटिक। ये वाला कलर आपने चूज़ किया? हाँ जी, माय चॉइस। तो इतना योगदान था मैडम का। अब मैं आ जाता हूँ मेन मुद्दे पर। तो राजन सर एक चीज़ बताइए, आप कब से गाड़ी चला रहे हो? सर अप्रॉक्स 40 ईयर्स हो गए। 40 साल से चला रहे हो। पहली गाड़ी कौन सी थी आपकी? पहले मैं बस जीप थी, महिंद्रा जीप थी। उसके बाद फिर जब से मारुति आई तो मारुति चलती रही, मारुति 800 न्यू वर्जन, जेन 1000, एस्टीम। उसके बाद गाड़ियां चेंज होती रही जी, इनोवा थी मेरे पास, अर्टिगा है, फोर्ड इको स्पोर्ट है, सारी गाड़ियां, फोर्ड वेस्टा रही। तो सर काइगर ही क्यों, मतलब क्या आप वेट कर रहे थे या आपको लगता था रेनो कुछ इतना खास देने वाला? मेन मॉडल अच्छा लगा और दूसरी बात यह है कि सिटी ड्राइव के लिए अच्छी है, क्योंकि सिटी में जाना पड़ता है, क्योंकि हम रियल इस्टेट बिजनेस में हूँ तो सिटी साइड जाना पड़ता है तो पैर थक जाते हैं चलाते चलाते, क्लच दबाते दबाते, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक वर्जन में। और इस रेंज में मेरे हिसाब से कोई और दूसरी गाड़ी फुली ऑटोमेटिक नहीं है। बहुत अच्छी है एंड ऑलरेडी हमारे पास रेनॉल्ट की डस्टर भी है। अच्छा, तो हम ऑलरेडी ओल्ड कस्टमर है रेनॉल्ट के, तो रेनो के पुराने कस्टमर हैं। तो इस पर इन्होंने ख़रीदा है, ये नॉन टर्बो AMT है। तो नॉन टर्बो सर क्यों? सर इंजन वाइज, बाकी तो अब देखो एक्सपीरियंस मालूम पड़ेगा। कितने की पड़ी आपको एग्जैक्टली ये पड़ी जी मेरे को 9,62,211। सर इस सेगमेंट में आपको पता है कि निसान मैग्नाइट भी थी, तो उसे आपने देखा था, बस ये आपने आँख बंद करके ख़रीद लिया? सर 25,000 देख कर बुक कराया था और फिर कैंसिलेशन करके वापस लिए। तो सर मतलब आपको इतनी पसंद आई काइगर की आपने मैग्नाइट कैंसिल करवा? मेन चीज़ है कि मेरे को एक तो हाइट चाहिए थी, उसकी हाइट थोड़ी लो थी, बुकिंग मैंने उसकी भी करवाई थी लेकिन तब तक वो गाड़ी अभी शोरूम में आई नहीं थी, आने के बाद फिर मेरे को हाइट की थोड़ी प्रॉब्लम लगी तो हाइट के लिए मेरे को चाहिए। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं सामने से क्विड जैसी दिखती है, तो आपको कोई इशू था उसमें? कोई इशू नहीं सर, अच्छी। एक बात बताओ, आपको स्मार्ट गाड़ी लगती है ना? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार। अच्छा, मतलब लुक वाइज वी आर सेटिस्फाइड। ओके, तो लुक वाइज इनको बहुत ही खूबसूरत लगी। सर जी बताइए, अगर आप ये ना खरीद रहे होते और मैग्नाइट ना खरीदते तो आपका दिमाग कहाँ था जाने का? क्रेटा। तो क्रेटा मतलब इसके बाद आप क्रेटा लेंगे? क्रेटा महंगी पड़ती सर, मुझे जहाँ तक पता है कि लगभग आपको 6-7 लाख और। बिल्कुल पड़ते, तो बिल्कुल पड़ते, अदरवाइज भी मैं फोर्ड चेंज करता। आपने इसे चला के देखा? हाँ जी चला के देखा। क्या अच्छा लगा चलाने में सबसे ज़्यादा? एवरीथिंग टफ है, गाड़ी स्ट्रांग है, सस्पेंशन अच्छा है और गाड़ी की ड्राइव अच्छा लगा। सर अगर आप किसी को सजेशन देना चाहोगे कि वो ये गाड़ी ख़रीद ले तो आप उसे क्यों सजेस्ट करोगे? सर गाड़ी की लुक अच्छी है और कामयाब ग्रुप है, डस्टर चलाई हुई है, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि गाड़ी में मेरे हिसाब से जो अभी तक मेरे। सर गाड़ी क्यों लेता है आदमी? गाड़ी इसीलिए लेता है, 1-2 लाख रुपये ऊपर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी पसंद आती है तभी लेता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं लेता। हाँ अगर कोई मेरी लॉटरी में निकलती तो मैं ले लेता वैसे भी, लेकिन अगर मैं अपनी पसंद से ले रहा हूँ तो मुझे गाड़ी पसंद आई है तभी ले रहा हूँ। सर कई बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग रेनो पर जो इसका आफ्टर सर्विस है उसको सेटिस्फाइड नहीं है, अपना सवाल उठाते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं है। तो आपको लगता है कि ये बेस्ट विकल्प था जो आपने चूज किया है? बिल्कुल। सर आपने शुरू के दिनों में गाड़ी चलाई थी, मतलब बोले तो 800 के टाइम दौर से आप जो है चला रहे हो, तो वहाँ से लेकर अब तक जो चेंज हुआ है, जो ये मतलब आप ऑटोमोटिव का वर्ड चेंज हुआ है, तो उसमें यहाँ तक जब पहुँचे हो तो आपको क्या अलग लगा पूरा मिला के?
सर गाड़ी अब देखो टाइम चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम हर चीज़ नई आ रही है, इसके अंदर कई इतने फीचर्स हैं जो कि आम गाड़ी में नहीं है, जो कहीं देखो क्लाइमेट कंट्रोल है और गाड़ियों में भी आ रहा है, इसके अंदर भी और कई फीचर्स है, इकोनॉमी ड्राइव है, स्पोर्ट्स ड्राइव है, काफ़ी फीचर्स हैं। तो सर आपने सारे ड्राइव मोड एक्सप्लोर किए इसके? अब चलाऊँगा जी तो आपको और एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा सर, आप चला लीजिए 2000 किलोमीटर। बस एक चीज़ जानना चाहूँगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो वहाँ पर आपको लगता है कि जस्टिफाई करेगा आपके लिए? कोई ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया मेरे पर, बाकी गाड़ियाँ सब डीजल की हैं तो इस हिसाब से मेरे को कोई इतना डिफरेंस 10 रुपीज़ पर लीटर का डिफरेंस है, लेकिन उसके अलावा फिर लाइफ भी तो ज़्यादा है पेट्रोल की। तो मतलब इससे आपको लाइफ ज़्यादा मिलेगी, और अंदर अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, क्योंकि वो भी आपने एक्सप्लोर किया होगा, तो उसमें कितने कंफर्टेबल हो और कितने लोगों का परिवार ही बताइए, कितने लोग बैठ कर चलने वाले हैं इसमें? हम फिलहाल तो हम दो हैं, बेटी है मेरी, उसको किया दिया है हमने, वो किया चला रही है। तो गाड़ी हम दो लोग हैं, लेकिन पीछे लेगरूम अच्छा है, स्पेस अच्छा है, बूट स्पेस अच्छा है, कोई मेरे को किसी चीज़ की नहीं, क्योंकि हमें लगेज की प्रॉब्लम आती है, हम ट्रैवल करते हैं ज़्यादा लगेज लेके, बीइंग ए पंजाबी तो हमें लगेज बहुत साथ लेंगे, अगर दो दिन के लिए जा रहे हैं तो 4 दिन के कपड़े लेके जाने पड़ते हैं। स्पेस बहुत अच्छा है इसका, बहुत। तो 405 लीटर का बूट इसमें मिलता है और ये महंगाई से भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा राजन सर, कि इसको लेके सबसे लंबी दूरी की यात्रा कहाँ आप करवाने, पहली ड्राइव कौन सी होगी आपकी? अभी जो हमारा ट्रिप प्लान हुआ है वो बता दो ना। मनाली। मनाली तो मतलब एक आइगर मनाली जाएगी, तो पूरा प्लान हो गया, कब जा रहे हो लेके इसे? थर्ड ऑफ अप्रैल सॉरी। तो मुझे पता भेजिएगा, मैं भी आ जाऊंगा, तो वहीं पर रिव्यू करेंगे। साथ चलो। हम तो दो जा रहे हैं, तीन की जगह है पीछे, मतलब तीन की जगह है पीछे। तो ये सर चलाने, मैं इनको छोड़ देता हूँ, उनको चलाने देता हूँ, जीने देता हूँ, क्योंकि जरूरी होता है DDLG वाला सिमरन ना, सब उस तरह की जिंदगी जीते हैं तो एक्सप्लोर करके बता पाते हैं। तो सर मेरी तरफ से आप इसे चलाइए जम के, क्योंकि आप जब 2000 किलोमीटर चलाओगे तो दोबारा आपको अपने चैनल पर लेके आएंगे और मैं आपके अनुभव साझा करूंगा वहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है, नेचुरली एस्पिरेटेड लिया है, और मुझे भरोसा है कि आप पहाड़ पर जा रहे हो ना, सबसे बढ़िया टेस्ट वहीं होगा, तो मुझे आपसे एक एक जानकारी चाहिए होगी और मेरे बहुत सारे दर्शक भी आपसे पूछना चाहेंगे, वो सवाल लेके आपके सामने आऊंगा, उन्हीं का सवाल का जवाब दूंगा अगले वीडियो में। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा और मैं इंतजार करूंगा उसके लिए आपका, आप जल्दी से बढ़िया से यात्रा करके आए, आओगे आप ना? सर तुम बेस्ट। तो मैम कुछ और बोलना चाहते हो आप? बस जी, थैंक यू, वी आर वेरी हैप्पी विद रेनॉल्ट एंड वी ऑलवेज मेक अ रिलेशनशिप विद देम। ग्रेट। तो आप चलाते हो ड्राइव करते हो? इवन आई ड्राइव। ग्रेट। बट ये गाड़ी इनकी है, मेरी नहीं है। मतलब ये गाड़ी मैडम ने चूज कर दी है सर के लिए, सर चलाएंगे, मैडम कुछ और करिए, चलाएंगे ये। तो मैडम भी चलाती है, कभी मौका मिला तो मैडम से मिलवाएंगे, क्योंकि जो मेरा सीरीज है बीमे नॉन व्हील वहाँ पर लेके आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ रेनो काइगर का जो इंडिया की पहली डिलीवरी थी आपको पसंद आई होगी, जो मैंने सवाल किए वो अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको कुछ और सवाल करना है राजन सर से, क्योंकि पहाड़ पर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था क्या ये गाड़ी पहाड़ पर चढ़ेगी, तो उसका जवाब राजन सर लेके आएंगे और मैं दोबारा इनको अपने वीडियो पर लाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर किसी और वीडियो मिलूंगा दोस्तों। चलिए फिर मैं और वीडियो बनाता हूं आपके लिए और आप भी एंजॉय करके आइए।